Morning, all of you students. Today we are going to start with our EVS subject of class 3rd. Now open your book, students. Students, we are studying chapter number 16, Games We Play. Page number 74 has been completed. Now let's start page number 75. Chaliye students, ab hum start karte hain. Name the umpire's signals shown in the following pictures. Use the help box. इस एम्पायर्स के सिग्नल को नाम दीजिए जो आपको यहाँ पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं. ये देखिए, ये एम्पायर हैं और ये सिग्नल दे रहे हैं. तो इसे इन सिग्नल्स को पहचानना है जो यहाँ पे लिखे हुए कि ये क्या सिग्नल दे रहे हैं हेल्प बॉक्स में. यहाँ से देखकर आपको यहाँ फिल करना है. चलिए, फर्स्ट इज़ ये क्या है, वाइट बॉल. फर्स्ट इज़ वाइट बॉल एंड सेकेंड इज लेग बाय. ओके, यानी लेग से लगी हुई. थर्ड इज सिक्स रन्स. जब दोनों हैंड एम्पायर खड़े कर देता है तो समझो वहाँ पे सिक्स रन्स है. और ये है नो बॉल. फोर्थ पर नो बॉल. फाइव पर फोर रन्स. जब वो वन हैंड ऐसे करता है कि बाउंड्री से बाहर टच हो गई है, बाउंड्री से टच हुई है का साइन ये होता है, ठीक है, तो फोर रन्स. और जब वो वन फिंगर ऊपर खड़ा कर देता है तो उसका सिग्नल है आउट. किसका सिग्नल दे रहा है, आउट का. चलिए, बास्केटबॉल का हम पढ़ते हैं. इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर गेम्स इन स्कूल. ये स्कूलों में सभी पॉपुलर गेम्स में एक है स्कूलों की. इट इज़ प्लेड बाय टू टीम्स ऑफ फाइव प्लेयर्स ईच. इसमें दो टीम्स होती हैं और हर एक टीम में पाँच पाँच प्लेयर्स होते हैं, पाँच पाँच खिलाड़ी होते हैं. प्लेयर्स स्कोर अ बास्केट गोल व्हेन दे पुट द बॉल इनटू अ सर्कुलर बैंड कॉल्ड रिम. जो प्लेयर्स खेलते हैं स्कोर करने के लिए क्या करते हैं, वो एक बास्केट बना होता है गोल शेप में, उसे रिम कहते हैं. देखिए स्टूडेंट्स, इसे रिम कहते हैं. जो सर्कुलर बैंड बना होता है उसको कहते हैं रिम, ठीक है. उसके अंदर बॉल डालनी होती है. टीम दैट स्कोर्स मोर बास्केट गोल्स इन द इज द विनर. और जो टीम सबसे ज़्यादा बास्केट में बॉल डालती है, गोल करती है मतलब, उसको क्या, वो क्या होती है टीम, विनर कहलाती है. इन अ बास्केट बॉल कोर्ट वन रिम इज प्लेस्ड अबव द ग्राउंड एट ईच एंड. जो बास्केट कोर्ट होता है जहाँ पे बास्केट बॉल खेली जाती है उसे कोर्ट कहते हैं उस जगह को. और वहाँ पे रिम कहाँ पे प्लेस होता है, ग्राउंड के ऊपर मतलब एक कोने पर, ठीक है स्टूडेंट्स. These rims are connected to two rectangular board that hang on poles. Poles पर एक rectangular board उसके ऊपर लगा होता है, एक poles पर लटका होता है, उस पर rim connected होता है. यानी ये basketball का जो goal करना होता है वो टंगा होता है, उसमें ball डालनी होती है और हर एक team जो होती है उसे score करती है. तो students, I hope आपको यहाँ तक समझ आया होगा. Next part हम अगली video में करेंगे. Okay, bye students, take care all of you. Stay safe and stay healthy. एंड वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूले. चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को क्लिक करना. हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग ऑल ऑफ यू.